वाराणसी में 31 साल पहले चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में शुक्रवार को पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी ने गवाही दी। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी सिबगतुल्ला अंसारी का अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा बयान दर्ज कराया गया। बयान दर्ज होने के बाद साक्षी से अभियोजन की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला, एडीजीसी विनय कुमार सिंह और वादी के अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह द्वारा जिरह की गई। बचाव पक्ष के साक्षी से बयान और जिरह की कार्रवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अगले सफाई साक्षी के रूप में रामजी राय को साक्ष्य देने के लिए तलब किया। साथ ही इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 7 फरवरी नियत कर दी। बता दें कि 3 अगस्त 1991 को पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के संबंध में अजय राय ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से 31 साल पुराना यह केस अदालत में विचाराधीन है।